देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। नाजरीन दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर, मैं जाबिर शाह। दर्शकों, जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना का ऐलान किया है, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, तब से पूरे महाराष्ट्र भर के सभी सीएससी सेंटरों पर या फिर जहां जहां भी इसके सेंटर्स लगाए गए हैं, उस योजना के फॉर्म भरने के सभी जगहों पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। तो वहीं बात करेंगे मालेगांव शहर की, तो मालेगांव शहर में भी समाजवादी पार्टी, जो हमेशा से ही अवामी मसाइल पर काउंटर लगाना, सेंटर लगाना, अवामी नुमाइंदगी करना, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक बड़ी टीम उनके पास मौजूद है, चाहे फिर वो राशन कार्ड से जुड़े हुए मामले हो, या आधार कार्ड से जुड़े हुए, या पैन कार्ड से जुड़े हुए हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट की आई हुई स्कीम पर अवाम को राहत कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए कल की जनता दल और आज की समाजवादी हमेशा से ही आगे रही है। वहीं देखने को ये मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के सेंटरों पर भीड़ नज़र आ रही है, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें आवाम की राहत के लिए सेंटर लगाए हैं, पार्टी दफ्तरों से, ऑफिसों से, अलग अलग जगहों से आवाम को राहत पहुंचाई जा रही है। लेकिन एमआईएम की जगह कहीं पर भी सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही इस शहर के एमएलए की ऑफिस या फिर कहीं भी किसी भी इलाकों में एमआईएम की जानिब से कोई भी सेंटर नहीं लगाया गया है। इन्हीं सारे मामलों पर कितने लोगों ने फॉर्म भरे, इस पर बात करेंगे समाजवादी नेता मुस्तकीम डिग्निटी से। देखो, मालेगांव शहर में हमेशा जब निहाल साहब के वक्त से कोई भी सरकारी कामकाज या कोई स्कीम या वजीफे के ताल्लुक से लोगों का एक एतमाद निहाल साहब के घराने पे रहा है, आज समाजवादी पार्टी पे है। कल जो है माले ने तकरीबन 650 लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए और आज भी काफ़ी रस है। अभी कितने फॉर्म हुए ये नहीं पता, मगर जो लोगों का एतमाद है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कीम का फ़ायदा आम आवाम को अच्छे तरीके से मिले, और यही एतमाद जो है लोगों का, ये हमारी कामयाबी की निशानी है। हम बस लोगों से, ख़ास तौर से मुख्यमंत्री लाडली योजना जो स्कीम है, इसके ताल्लुक से ख़ास तौर से ख्वातीन से एक अपील करेंगे कि वो बहुत घाई ना करें, बहुत जल्दबाजी ना करें। बहुत लोग, ये हो रहा है कि डॉक्यूमेंट भी वो पूरे नहीं लेके आ रहे हैं, रिक्शे से, ऑटो से आ जाते, पैदल आ जाते, और अपना वक्त भी जा रहा है, उनका रुपया पैसा भी जा रहा है। एकदम आसान डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है, और समाजवादी ऑफिस, दूसरी भी कई हमारे भी कुछ सेंटर है, दूसरी सियासी और समाजी पार्टियाँ भी अपने अपने तौर पर कर रही हैं, मगर ख्वातीन जो है जल्दबाजी में सिर्फ सब जगह आ रही हैं, जा रही हैं, उससे उनका नुकसान हो रहा है। ये स्कीम 31 अगस्त तक हमारे पास टाइम है, लगभग ये तकरीबन यहाँ से 2 महीने का वक्त है, इसलिए बहुत घाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी तक गवर्नमेंट के जो लिंक है वो भी अभी पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट पहले पूरे कलेक्ट करें, उनके नंबर ले लें, और फिर आराम से उनको बुलाकर वो फॉर्म हम फिलअप करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ताकि कोई गलती ना हो। ऐसा है कि एक आस लेकर लोग आते हैं, अगर मामूली कोई मिस्टेक हो जाती है तो लोगों की आस भी टूटती, उनका वक्त भी जाता, वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो रुपया पैसा खर्चा करते वो भी ज़ाया होता। इसलिए बहुत आसान डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, फ़ोटो है, राशन कार्ड है, जन्म दाखला है, अगर जन्म दाखला नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट है, अगर लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके ऑप्शन में वोटर लिस्ट का कार्ड या वोटर लिस्ट में नाम है। इसी तरह उत्पन्न दाखले का जो सवाल है, पीला कार्ड है या केसरी कार्ड पर उनकी उत्पन्न 50,000 या 2,00,000 के अंदर लिखी हुई है तो वो भी चलेगा, गरीबी की सतह में नाम है तो वो भी चलेगा। अगर जन्म दाखिले के साथ जो डॉक्यूमेंट उनके ऑप्शन में बताए ये सब नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और अगर उत्पन्न दाखला जो पीला कार्ड या गरीबी की सतह में नाम नहीं है या 2,50,000 से कम आमदनी उनके कार्ड पर नहीं लिखी हुई है तो उनको उत्पन्न दाखला बनवाना पड़ेगा। तो ऐसे ऑप्शन के साथ कई पेपर्स हैं और बहुत आसान पेपर है, मुझे लगता है कि जनरली सबके पास होंगे, और मेरी ये गुजारिश है कि एक घर से एक खातून ही भरे, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई
कंफर्म गाइडलाइन नहीं दी है, मगर मेरी खुद की समझ ऐसी है कि जो लोगों का वजीफा आ रहा है वो इसमें बिला वजह ना भरें। जो लोग सरकारी तौर पे बचत गाड़ी या कोई स्कीम से डायरेक्ट पर्सनल कोई फ़ायदा उठाएं वो लोगों को ना भरें। और एक घर बोले तो एक राशन कार्ड, अगर तुम एक मकान में रह रहे हो और चार राशन कार्ड अलग अलग है तो चारों अलग अलग फैमिली मानी जाएंगी, मगर उस राशन कार्ड की प्रमुख खातून को या एक खातून ही फॉर्म भरे तो ज़्यादा बेहतर है। हो ये भी रहा है कि अगर दो तीन खातून हैं तो वो सब कोशिश कर रहे हैं भर देने की, मगर जब राशन कार्ड पे एक फैमिली में एक को ही वजीफा मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज एक घर की एक खातून ही भरे, अगर कोई नई बात कल आएंगी तो वो हम भी आवाम तक वो बात भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जगह जगह पर सेंटर लगाए हैं, काउंटर उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर भी काम चल रहा है, उनके भी सेंटर काउंटर लगे हैं, वो भी कामकाज कर रहे हैं। लेकिन जिनकी जवाबदेही बनती है, जिनकी जवाबदारी बनती है, जो आज आवाम के प्रतिनिधि है नुमाइंदे, उनके ऑफिस या कहीं सेंटरों पर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं, मैं खुद कल से जब ये प्रोग्राम शुरू है दो तीन रोज से, तो मैं खुद मुख्तलिफ इलाकों पे गया, जिस तरह का हुजूम समाजवादी पार्टी पे देखने को मिल रहा है तो इससे जाहिर हो रहा है कि हमारे शहर की आवाम का एतमाद समाजवादी पार्टी और उनके जिम्मेदारों पर भरोसा बैठ रहा है। इसलिए यहाँ आकर इस कदर भीड़ में माँ बहन बेटियाँ बच्चों को लेकर बूढ़ी माँ बहन बेटियाँ भी यहाँ पर आकर यानी ये फार्म भर रहे हैं, यानी मुझे इस बात पर खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सही जगह पहुंचाया है। क्योंकि मेरा जो शौक़ है कि किस तरह अल्लाह के मखलूक का काम हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी दुआ को कबूल किया है और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला मुझे भी आवाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। अच्छा, हमने आपकी कल की न्यूज़ लगाई और हाउस कंपनी वाले लोगों ने कमेंट में लिखा कि चचा वापस आ जाओ, चचा वापस आ जाओ, आप गलत जगह चले गए, क्या कहेंगे? देखिए कैसा है, ये उनकी मोहब्बत है, जो लोग मुझसे इस तरह की हमदर्दी कर रहे हैं यकीनन वो काबिले मुबारकबाद है। अगर वाकई में मैं उनका चचा हूँ और वो मुझ पर भरोसा करते हैं, रात में दो ढाई बजे तक कभी लोग मेरे पास आए, बहुत सारे रोए भी, हाफिज़े कुरान भी आ रहे हैं, यकीनन उसमें एक जुमला एक शख्स ने कहा कि बहुत प्यारा लगा मुझे कि चचा जब आप हमको मिले तो हजरत की वजह से मिले, लेकिन आज जो हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपके किरदार और आपका काम और आपकी शख्सियत के हर मौके पर आप हमारे साथ खड़े हो जाते थे, उस लिए हम आज आपको बेपनाह चाहते हैं, आप वापस आ जाओ। तो मैंने उनको कहा है कि अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं बेटा तो मैं कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा, मैं जिस जगह पे हूँ मैं जवाबदारी लेता हूँ कि यहाँ आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आपको और आपके ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुँचेगा।